गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, आज मैं आपका थर्ड चैप्टर पढ़ा रही हूँ। थर्ड चैप्टर का नाम है आर्टिकल्स। ग्रामर में आप अपने आर्टिकल्स निकालेंगे थर्ड चैप्टर, ठीक है। आर्टिकल्स बच्चों कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल्स आपने पहले पढ़े हैं कभी? आर्टिकल्स, आर्टिकल्स बच्चों आपके तीन होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द, ठीक है। आप याद रखेंगे आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? तीन होते हैं, ए, एन एंड द। तो इन तीनों का यूज़ हम कहाँ करेंगे, कब करेंगे, ये अभी आपको नहीं पता है, तो हम ये सीखेंगे कहाँ पे करना होता है हमें किस आर्टिकल का यूज़, ठीक है। देखो बच्चों, आपने क्या है, अल्फ़ाबेट में आपने वॉवेल्स और कंसोनेंट पढ़े होंगे। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है बच्चों? हमारे वॉवेल्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे सारे वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स जहाँ पे भी कोई वर्ड अगर हमारा वॉवेल से स्टार्ट होता है, ठीक, तो उसके आगे हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? एन। कौन सा यूज़ करना होता है हमें आर्टिकल? एन। और आपको समझो बच्चों, जैसे एप्पल है ना, तो एप्पल में कौन कौन से लेटर हैं? ए, डबल पी, एल, ई। तो एप्पल में फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है? ए। ए क्या है बच्चों? ए वॉवेल है हमारा, है ना। अब वॉवेल है तो हमारा कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा एप्पल से पहले? एन यूज़ होगा। आया आपको समझ में? तो यानी कि कोई भी वर्ड अगर हमारा ए, ई, आई, ओ, यू, फाइव वॉवेल्स हैं, इनमें से स्टार्ट होता है, तो हम उससे आगे एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आया समझ में? और बाकी जो हमारे कंसोनेंट हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा बाकी जो हमारी अल्फ़ाबेट बची, एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका बी, सी, डी, एफ, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या बच्चों? हमारे कंसोनेंट हैं। तो कंसोनेंट के आगे क्या हम लगाएंगे? ए लगाएंगे। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो भी वर्ड हमारे किसी लेटर से स्टार्ट होंगे उनके आगे हम ए लगाएंगे। आया समझ में? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड हमारे वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से हमारे कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ये वाली, यही दी हुई है, ठीक है। आपको इसमें क्या बताना है? यही बताना है कि कौन सा वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसे करेंगे, जैसे आपका फर्स्ट लेटर है शर्ट, फर्स्ट वर्ड शर्ट है, तो शर्ट में फर्स्ट लेटर देखेंगे क्या है? एस से स्टार्ट हो रहा है। एस क्या है बच्चों? आपका कंसोनेंट है। तो आपको कंसोनेंट है तो उसमें जो मैं सर्कल दिया उसमें क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, ठीक है। और अगर ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा था तो क्या लिखते हैं? वी, वी फॉर वॉवेल, तो वी लिखेंगे। और देखो सेकंड वाला देखो, एरोप्लेन, एरोप्लेन में फर्स्ट लेटर क्या है? ए है। ए क्या होता है बच्चों? वॉवेल होता है ना, तो वॉवेल होता है तो इसमें आप वी लिखेंगे, ठीक। अब ऐसे आप थ्री वाला देखिए, बॉल, बॉल में फर्स्ट लेटर क्या है? बी, बी से स्टार्ट हो रहा है बॉल, तो बी क्या है? कंसोनेंट है कि वॉवेल है? कंसोनेंट है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको करने हैं ये वाले, ठीक है, कर लेंगे आप। फिर नेक्स्ट है आपका, ये आपको पढ़ने हैं, जैसे ए ग्लास, ए कैप, इसमें फर्स्ट लेटर देखते चलेंगे इनके, सी से स्टार्ट हो रहा है तो ए आया है, ए बैग, बैग बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए आया है, मैंगो, ए मैंगो, तो मैंगो किससे? एम से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए ए आया है, बैड, बैड किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए यूज़ हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या है? टैप, टैप किससे स्टार्ट होता है? टी से स्टार्ट होता है तो ए आएगा इसके स्टार्ट, ठीक है बच्चों। जो आर्टिकल होते हैं वर्ड से पहले लगते हैं, ठीक है। फिर देखो, वो तो सारे थे आपके आर्टिकल जिनमें ए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आपके क्या है? ये वो सारे वर्ड्स हैं आपके जो हमारे एन से स्टार्ट होंगे, जैसे एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन एरोप्लेन, एन एग, एन इग्लू, ठीक है। तो
तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें आप देखिए क्या है, ये ईयर एंड आई, ठीक है, ईयर एंड आई। तो इनमें ईयर में क्या आ रहा है, फर्स्ट लेटर ई, और आई में भी क्या आ रहा है, ई। अब ई हमारा होता क्या है, वॉवेल होता है ना। अब वॉवेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। तो इन बच्चों दोनों में ही क्या आएगा, एन आएगा। पहले आप कैपिटल एन लिखेंगे, फिर दूसरी बार में स्मॉल एन बना के लिखेंगे, ठीक है, एन ईयर एंड एन आई। फिर नेक्स्ट है आपका बच्चों, मैं एक दो एग्जांपल ही बताऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका टू वाला, इसमें क्या, डे एंड नाइट। तो बच्चों डे एंड नाइट में क्या आएगा, डे नाइट में ए ही आएगा, क्योंकि ये डी भी कंसोनेंट है और नाइट एन भी कंसोनेंट है, तो दोनों में ए आएगा। पहले आप कैपिटल ए बनाएंगे, दूसरी बार में स्मॉल ए बनाएंगे, ए डे एंड अ नाइट। अरे बच्चों आपको समझ में, अब है आपका सॉरी, अब हम आपने, अब आप आपने ए और एन का यूज सीखा, अब आप सीखेंगे दा का यूज। किसका यूज, दा का यूज, कि दा किन किन जगहों पर यूज होता है। तो बच्चों कोई भी बहुत बड़ी चीज है ना, कोई बहुत बड़ी चीज जो गिनती में सिर्फ एक ही होती है, तो उस वर्ड के आगे हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे हमारा सन है, सूरज क्या है, काउंटिंग में सिर्फ एक है और बहुत बड़ा है ना, बहुत ही फेमस चीज़ है और बहुत बड़ा है। तो क्या लगाएंगे, इसमें कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा आपका, सन से आगे, ना सन में हम एस वॉवेल देखेंगे, ना हम कंसोनेंट देखेंगे, सन जो है सिंगल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे इसमें आर्टिकल, दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे आपका अर्थ है, अर्थ भी क्या है, पृथ्वी, इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है हमारे अर्थ का, एक बहुत बड़ा वर्ड है अर्थ। तो क्या है, इसके पहले क्या हम दा यूज़ करेंगे। अब जैसे कि हमारा दा स्टार्स हो गया, उसके आगे भी दा लगेगा, मून दा लगेगा, माउंटेन्स दा लगेगा, इनकी जो नेचुरल चीज़ें हैं, रिवर है, रिवर के आगे भी दा लगेगा, इनकी वो चीज़ें जो बड़ी होती हैं, जिनका अलग इम्पोर्टेंस होता है, उनके आगे हम दा का यूज़ करते हैं। फिर है नेक्स्ट, वी यूज़ दा विद स्पेशल नेम्स, और जो कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं उनके आगे भी हम दा लगाते हैं। जैसे स्पेशल बिल्डिंग होगी, जैसे एग्जांपल दिया है ताजमहल, तो ताजमहल के भी आगे क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, दा ताजमहल। ऐसे कोई बिल्डिंग हो गई, कोई भी अगर फेमस बिल्डिंग है, तो उसके आगे हम दा का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका, अगर कोई भी, जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, जैसे अगर सेंटेंस पढ़िए, आई हैव एन ऑरेंज इन माई बास्केट, आई वॉन्ट टू ईट द ऑरेंज इन माई बास्केट। बच्चों देखो, पहले तो क्या हुआ, ये देखो, एन ऑरेंज द बास्केट, द ऑरेंज, ये क्या हुआ, अब ये हमें समझना होगा। देखो यहाँ पे था, जब फर्स्ट टाइम अगर कोई वर्ड यूज़ हो रहा है, दो बार एक ही वर्ड यूज़ हो रहा है, लेकिन क्या है, वॉवेल आ रहा है, उसमें ओ आ रहा है, तो पहली बार में तो हम एन ही लगाएंगे वॉवेल के हिसाब से, लेकिन दूसरी बार क्या लगाएंगे, हम दा लगाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई भी वॉवेल वर्ड, वॉवेल से स्टार्ट होने वाला वर्ड दो बार आता है, तो पहली बार तो हम एन लगाएंगे, और दूसरी बार क्या लगाएंगे, हम दा लगाएंगे, ठीक है। अब हमें ये दिया हुआ है इसमें कि हमें कहाँ कहाँ पे दा का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी, किसी भी अगर पर्सन का, नहीं किसी भी आदमी का नाम आता है, तो हम दा नहीं लगाएंगे बिल्कुल, ना ही किसी एनिमल के नेम के आगे दा लगाएंगे, ना ही किसी चीज़ के नाम के आगे दा का यूज़ करेंगे। दा इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज दा इज यूज विद अ पार्टिकल। नहीं बच्चों, ये वाला छोड़ दो आप, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, वी डू नॉट यूज़ दा बिफोर नेम्स ऑफ पीपल, हम जो है लोगों के नाम के आगे दा का यूज़ नहीं करेंगे, एनिमल्स के आगे और थिंग्स के आगे तो होगा दा का यूज़। फिर है, वी यूजुअली डू नॉट यूज़ दा बिफोर नेम्स ऑफ विलेजेस, टाउन, सिटीज़ एंड कंट्रीज। अच्छा, किसी विलेज का नाम है, टाउन और सिटी या कंट्री का नाम है, तो उसके आगे हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो
आपको दी हुई है बी एक्सरसाइज, इसमें आपको तीनों ही आर्टिकल का यूज़ करना है। देखो कैसे होगा। एप्पल, एप्पल बच्चों, एप्पल मैंने आपको समझाया था सबसे पहले इसका एग्जांपल। एप्पल के लिए क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा, एन एप्पल, आ डे, ए आएगा ना, डे डे में क्या कंसोनेंट है तो ए आएगा। कीप्स द डॉक्टर अवे, बच्चों हमने पढ़ा था एन एप्पल आ डे कीप्स आ, इसमें भी ए आएगा। डॉक्टर में डी क्या होता है, कंसोनेंट है तो ए आएगा। तो नेक्स्ट आपका स्टिच इन टाइम्स सेव्स 9 स्टिचेस, स्टिच में क्या आएगा, ए आएगा। अब बच्चों देखो फोर्थ वाला, विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। बच्चों मैंने आपको बताया था जो बड़ी चीज़ें हैं या नेचुरल चीज़ें हैं उनके आगे हम क्या किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रिवर की बात हो रही है, लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी, तो कल ही इम्पोर्टेंस हो गया, सबसे लंबी नदी है ना, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, बिल ग्रेट्स इज अमेरिकन, अमेरिकन में ए वोवेल आ रहा है तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट में सी में द आपको सही जगह पे लगाना है कि द कहाँ लगेगा, है ना। तो नंबर फेमस जगह है उनके आगे द लगेगा, जैसे ताजमहल के आगे द लगेगा, रिवर के आगे द लगेगा, इंडिया के आगे नहीं लगेगा क्योंकि इंडिया कंट्री है, कंट्री के आगे नहीं लगेगा। जहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ आपको वही पूरा सेंटेंस लिखना है, बस उसके आगे क्या लगा देना है, उस नेम के आगे दा लगा देना, रिवर के आगे दा, ताजमहल के आगे दा, अर्थ के आगे दा लगाना है, सन के आगे दा लगाना है। ठीक है, ए रॉकेट कैन टेक यू टू मून, मून से आगे आप दा लगाएंगे। फूड वाज वेरी स्पाइसी, तो बच्चों फूड से आप आगे आप दा लगाएंगे। गिव मी बुक यू बॉट यस्टरडे, गिव मी बुक, चीज़ों के नाम के आगे आप दा लगाएंगे, है ना, बुक के आगे दा लगेगा। फिर वैन विल टीचर कम, वैन विल द टीचर कम, है ना, तो यहाँ पे आप टीचर से आगे दा लगाएंगे। ठीक है, तो अच्छा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप ये वर्क खुद करेंगे जैसे जैसे मैंने समझाया है, तो इसके बाद हम कॉपी वर्क करेंगे। थैंक यू।